इस घर आप देखना शुरू कर चुके हैं NBC 24। मैं हूं आसिफ सदीकी। किसानों के समर्थन में राजद के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन होने वाले था, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद गांधी मैदान के गेट के बाहर ही राजद के कार्यकर्ता और नेता जुट गए। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी चुनौती दे दी नीतीश सरकार को, वे गांधी मैदान पहुंच रहे हैं और वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन गांधी मैदान के गेट के बाहर ही ताला लगा दिया गया। प्रशासन के द्वारा गेट नंबर 4 के पास तेजस्वी यादव पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ये भी कहा कि गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं, उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर लिया है, ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसान के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प न ले सके। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि नीतीश जी वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। तो कुछ इसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, जैसे ही उनको जानकारी मिली कि गांधी मैदान के अंदर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि आपको बता दें, गांधी मूर्ति के ठीक नीचे प्रदर्शन होने वाला था राजद का, जिसको लेकर के जुटान शुरू हो गया था, लेकिन सही समय पर जिला प्रशासन ने मना कर दिया। हालांकि राजद के नेताओं का कहना है कि इससे पहले अनुमति ली जा चुकी थी जिला प्रशासन ने, से बावजूद इसके प्रदर्शन करने की गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिली जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके बाद तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्वीट पर ये सारी बातें लिखी। इसके बाद तेजस्वी यादव गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव बैठ चुके हैं और मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। इस दौरान वो न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार बल्कि नीतीश सरकार पर भी हमलावर हो रहे हैं। साफ तौर पर नीतीश सरकार को अनुकंपाई मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया है। सोच समझ करके लिया गया है, ताकि प्राइवेटाइज कैसे किया, आज रेलवे का क्या स्थिति है, हम लोग जो जानते हैं वही हुआ। हम लोग कहते रहे कि आएगी बीजेपी की सरकार तो सब कुछ बेच डालेगी, आज वही हो रहा है। इसमें कोई, अरे भैया MSP तो इतना कॉमन सेंस है ना कि भाई इस फसल का मिनिमम इतना रेट मिलना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये नहीं है तब तो किसान ही खत्म हो रहे हैं। किसान खत्म हो गया यानी हमारा देश जो है कमजोर हो गया। हमने तो बिंदु बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल के खामियों को बताया कि भाई कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, नेगोशिएट करना पड़ेगा। पहले बिहार की धरती है जिसके नीतीश कुमार ने APMC को रद्द किया, बाजार मंडी उसको खत्म किया, और बिहार तो भुक्त भोगी है क्योंकि बिहार का किसान के बाद से जब से नीतीश कुमार जी ने लागू किया होता चला गया, मजदूरी करने लगा और अब पलायन करने पे बिहार। तो हम तो विडम्बना है, हम लोगों का यही मांग है। आज तो आप लोग देखे होंगे गोडसे के मानने वाले लोगों का आगमन पटना हुआ और हमारे महात्मा गांधी बापू को कैद कर दिया गया। आज हम लोग चाहते थे कि बापू के सामने हम लोग, मूर्ति के सामने हम सब लोग संकल्प ले, हम लोग जो है किसानों के देश के साथ करें। और इस तरीके का काम किया जा रहा है, हम सब लोगों को यही कहना है, सारे लोग और सारा देश आज देश के किसानों के साथ खड़ा है। सरकार को जो है प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप NBC 24 देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। NBC 24 सच की ताकत।